एनडीए दे नाल तोड़ विछोड़े तो बाद सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस नूं चुनौती दित्ती है। खास खबर ते नजर पाउने आ, कहा महाराष्ट्र दे विच कांग्रेस किसान विरोधी बिलां दे समर्थन दे विच खड़ी, शिवसेना दा साथ छड्डे। महाराष्ट्र दे विच शिवसेना दे नाल कांग्रेस सरकार, कांग्रेस भागीदार है सरकार दे विच। शिवसेना ने संसद विच खेतीबाड़ी बिलां दा समर्थन कीता है। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस ते निशाना साध्या, कहा कि महाराष्ट्र दे विच शिवसेना दे नाल कांग्रेस अपने गठजोड़ नूं तोड़े, क्योंकि शिवसेना ने गठजोड़ दे क्योंकि शिवसेना ने किसान विरोधी बिलां दे पक्ष विच वोट दित्ती है। एनडीए नाल तोड़ विछोड़े तों बाद सुखबीर सिंह बादल वल्लों कांग्रेस नूं सीधे तौर ते चुनौती दित्ती गई है। आख्या कि महाराष्ट्र दे विच शिवसेना दे नाल कांग्रेस की सरकार दे विच भागीदारी है। शिवसेना ने संसद दे विच खेतीबाड़ी बिलां दा समर्थन कीता है, अते इस लई ओह कहिंदे ने कि कांग्रेस महाराष्ट्र दे विच शिवसेना दा साथ छड्डे। मैं क्या, तुसी अपना गठबंधन तोड़ो महाराष्ट्र, शिवसेना ने इस ऑर्डिनेंस के हक में वोट पाई है, फिर क्यों गठबंधन रखे? डबल गेम ना खेडो, साथो अकाली दल देखो जमान दे पक्के हैं। जो पहली तरीक को किसान मार्च शुरू होगा, पांच तीनों तबकों से मोहाली तक पहुंचेगा। गवर्नर साहब को हम देंगे मेमोरेंडम देश की राष्ट्रपति को कि इन ऑर्डिनेंस पे दस्तखत नहीं होने चाहिए और सेंटर सरकार वापस लेंगे। बहुत बेइंसाफी पंजाब ना हुई है, जो पंजाबी हमारे जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी के पार का, देखो कितने सालों से पंजाबी वहां बोली जाती है। और शेख अफरूक अब्दुल्ला जी ने पार्लियामेंट में मेरी सपोर्ट की, उन्होंने कहा कि पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है, फिर भी उन्होंने नहीं बनाई, बहुत अफसोस की बात है।